पैरागॉन हाउसिंग केस में ख्वाजा बरादरान के जुडिशियल रिमांड में 13 जनवरी तक तौसी कर दी गई। अदालत ने साद रफीक को कौमी असेंबली इजलास में शिरकत की इजाजत दे दी। एहतसाब अदालत के जज जवाद उल हसन ने केस की समाअत की। ख्वाजा साद रफीक जख्मी हालत में अदालत पेश हुए। साद रफीक ने अदालत को बताया कि रात को इनकी बैरिक में आग लग गई थी, जिसकी वजह से वो जख्मी हुए। जेल हुकाम रोजाना इजलास के लिए मुझे इस्लामाबाद लेकर जाते हैं और शाम को वापस ले आते हैं। हर इजलास के मौके पर 8 घंटे का सफर नहीं कर सकता, मुझे इस्लामाबाद में ही रखा जाए। एहतसाब अदालत ने ख्वाजा साद रफीक को कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद जाने की इजाजत दे दी। अदालत ने कैसर अमीन भट्ट की बीमारी के बारे तहरीरी रिपोर्ट तलब करते हुए दरखास्त पर समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी।